हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आज का जो ब्लॉग है वो मॉर्निंग से शुरू कर दिया था, किचन से ही शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं सुबह का ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो आज मैं आप लोग के साथ आलू परवर की सब्ज़ी का रेसिपी शेयर करूँगी। तो इसके लिए मैंने परवर और प्याज एक ही में काट लिया है, तेल को गर्म कर लिया है। तेल में मैंने मेथी दाना डाल दिया है आधा चम्मच, और अभी मैं परवर, प्याज, लहसुन, मिर्च एक साथ में सभी को जो है भून लूँगी, थोड़ा लाल होने तक भूनूंगी। और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, सिंपल है पर बहुत टेस्टी बनती है। आप इसे रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और दूसरी तरफ मैंने दाल फ्राई होने के लिए कुकर चढ़ा दिया है। कुकर में मैंने जीरा, अदरक, लहसुन और लाल मिर्च, सूखा लाल मिर्च, इसे मैं थोड़ा ब्राउन होने तक भून लूँगी। फिर मैंने इसमें प्याज कट करके, बारीक बारीक प्याज कट करके मैंने डाल दिया है, और इसे भी मैं भून लूँगी लाल होने तक। फिर मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। अब बीच बीच में मैं सब्जियों को भी चेक कर रही हूँ, और अब मैं टमाटर को डाल देती हूँ। प्याज लाल हो गया है, और टमाटर को सॉफ्ट होने तक ढककर पकाऊँगी। इसमें मैं आधा चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये, सिर्फ कलर के लिए, कि दाल का कलर काफ़ी अच्छा आ जाए। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दूंगी। और मैंने इसमें नमक हल्दी नहीं डाला है, क्योंकि दाल को जब मैं बना रही थी तो उसमें मैंने नमक हल्दी डाल दिया था। और प्याज जो है, प्याज और परवर भुन गई है, तो अब मैं इसमें आलू और टमाटर को ऐड कर दूंगी। स्वाद के अनुसार नमक डाल दूंगी, हल्दी डाल दूंगी आधा चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च डाल के अच्छी तरीके से इसी में चला दूंगी। गरम मसाला मैं लास्ट में डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी, जब आलू जो है सॉफ्ट हो जाएंगे तब डालूंगी। और इधर जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो गए हैं, तो मैं इसे स्मैश कर लूंगी। उसके बाद जो उबली हुई दाल है उसे इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छी तरीके से चलाने के बाद इसमें मैं ड्राई कस्तूरी मेथी डाल दूंगी, और आधे चम्मच के लगभग मैं इसमें गरम मसाला, मार्केट में जो मिलता है वो मैंने लिया है ये। और देखिए कितनी अच्छी तरीके से जो दाल है वो बॉयल हो रही है। फिर मैंने इसमें एक चम्मच देसी घी डाला है, घर का बना घी है, और दो चुटकी मैंने इसमें हींग डाला है। हींग मैं हर सब्ज़ी में लास्ट में ही डालती हूँ, पहले से मैं नहीं डालती हूँ। और दाल जो है वो कंप्लीट हो गई है, पक गई है। अब गैस को ऑफ करके इसे मैं साइड में रख लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, दाल कितनी अच्छी लग रही है, बहुत टेस्टी दाल बनी थी। और देसी घी डालने से तो इसमें बहुत जान आ गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। और इधर सब्ज़ी मैंने थोड़ा सा पानी डाला है सब्ज़ी में, आलू लगभग पक गया था पर थोड़ा सा उसे पकाना बाकी था, और ये एक आलू चलाते वक्त नीचे गिर गया। और ये देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी जो है अब इस समय आलू भी पक गई है अच्छी तरीके से, और मैं इसे चला लूँगी। इस स्टेज पे मैं गरम मसाला या हींग जो भी डालना होता है डालती हूँ। और ये जो मसाला है ये घर का बना हुआ है, तो ये भुना हुआ है, इसलिए मैं इसे भूनती नहीं हूँ, लास्ट में ही ऐड करती हूँ। अब बिल्कुल लग रही है ना सब्ज़ी हलवाई जैसी, और ये वाकई में बहुत टेस्टी लगती है। पूड़ी, पराठे, आप किसी के साथ इसे खा सकते हैं, दाल चावल, किसी भी चीज़ के साथ ये बहुत टेस्टी जाती है, और बहुत ही टेस्टी बनी थी, सभी को पसंद आई सब्ज़ी। और अभी शाम का समय हो रहा है, तो मैं सो गई थी आज, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए मैं सो गई थी। फिर मैं उठी तो ये जो मैं लैस निकाल रही हूँ दुपट्टे से ना, ये लैस मुझे पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इस लैस को निकाल दिया। और इसकी वजह से बहुत चुभन जैसा मतलब होता था, तो दुपट्टा वैसे भी लैस निकालने के बाद भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। और कल सावन का दूसरा सोमवार है, तो मैं यही सूट पहन के जाने वाली थी, इसलिए मैंने इसे निकाल दिया। इस लैस की वजह से ही मैं इस सूट को नहीं पहनती थी, क्योंकि ये बहुत गंदा लगता था, मुझे नहीं पसंद है। मैं इसे रख लूँगी, देखती हूँ कभी कुछ ऐसा बनाना हुआ, कोई चीज़ डेकोरेट करना हुआ तो ये उसके काम आ जाएगा। इसे मैं फेंकूँगी नहीं, रख लेती हूँ इसको, कुछ कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल कर ही लूँगी। बच्चे अभी सोए हैं, छवि भी यहाँ पे सोई है, रुपेश अंदर सोया है, तो अभी मैं इसे रख लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? और मैंने अभी इवनिंग से ब्लॉग जो है वो स्टार्ट किया है, क्योंकि सुबह में मैंने थोड़ा सा ही शूट किया, मैं थक गई थी, सो गई थी, इसलिए सो गई थी, क्योंकि कल रात को ना मैं बहुत देर तक जगी थी, 2 बजे तक मैं जगी थी,
वही वॉइस रिकॉर्डिंग करना और वीडियो को एडिट करने की वजह से 2 बज के बाद ही मैं सोई थी, तो इसलिए थोड़ा सा नींद आ गया। मैं दिन में सोती नहीं हूँ जल्दी, लेकिन आज मुझे, मैं काम ही कर रही थी फ़ोन पे यूट्यूब का, तो मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। फ़ोन ओपन ही था, मैं सो गई। फिर मैं उठी तो देखी कि 4 बज गया है। आप लोग से बातें ही नहीं की हूँ, मैं बातें कर लेती हूँ आप लोग से, क्योंकि आप लोग से बात करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ज़्यादा कुछ नहीं, अब मैं यहाँ से शाम से ब्लॉग को शुरू करूँगी। तो आज संडे है, संडे का दिन है। अब मैंने ये देखिए बालों को धुल लिया है, कॉम्ब भी कर लिया है। मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, अगर आप लोग के पास कोई रेमेडी होगी कि जो मैं बालों में लगाऊँ और बाल ना झड़े, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ तब से काफ़ी मतलब लेट हो जाता है सोने में, 2 या 1.5 ऐसे ही डेली बज जाता है। और अभी मैं जाऊँगी तो वही जो शाम का रूटीन है, शाम की जो काम है वो करूँगी। अभी घर तो साफ़ है, बर्तन भी मैंने सभी को लंच कराने के बाद से बर्तन भी मैंने धुल दिए थे, तो मुझे बर्तन वगैरह नहीं धुलना है। लेकिन मुझे अभी शाम का नाश्ता और देखती हूँ क्या बनाती हूँ। आज कुछ मन भी नहीं कर रहा है, जब सो के उठती हूँ ना तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है कोई काम करने का। इस चलती हूँ देखती हूँ कि क्या बनेगा, अभी क्या बनाऊँगी बच्चों को। नहीं होगा तो बाहर से कुछ मंगा दूँगी, टोस्ट वगैरह या ब्रेड मंगा दूँगी, वही बच्चों को सेक के दे दूँगी नाश्ता। अभी फ्रेंड्स मैं डिनर में आप लोग के साथ करेले की रेसिपी शेयर करूँगी, से मैं सब्जी कट करके रख लूँगी। फिर मिलती हूँ आप लोग से। वाला वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आप लोग से। तो मैं छत से नीचे आ गई हूँ और अब मैं करेला जो है वो छील के काट लेती हूँ। और जब मैं करेला काटने गई ना तो उसमें से 2-3 करेला जो है वो तो ख़राब निकल गया, वो अंदर से पका पका था। कुछ करेले तो पके थे और 3 करेला तो बिल्कुल ख़राब निकल गया। और आधा किलो लाए ही थे ये, क्योंकि आधा किलो हम लोग को हो जाता है बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये देखिए पूरा जो करेला है अंदर से लाल हो गया है। तो इसके सारे बीज मैं निकाल लूँगी, फिर मैं इसे काट लूँगी। और मैंने तो पहले सोचा था कि मैं सिर्फ करेले की सब्ज़ी ही बनाऊँगी और रोटी, लेकिन करेला ख़राब होने से करेला कम हो गया, तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा चना का दाल भी बना लिया, क्योंकि इतना करेला नहीं था कि हम सभी को हो जाए। और अभी मैं करेला काट लेती हूँ। और करेला मैंने 2 घंटे पहले ही काट लिए है। फ्रेंड्स आप करेले का कड़वापन अगर कम करना चाहते हैं तो उसे 2-3 घंटे पहले काट लीजिए, उसमें भर के 1 चम्मच नमक डाल दीजिए, फिर उसे पानी डाल के डुबा के करेले को इतना पानी डालिए कि करेला जो है बिल्कुल डूबा हुआ हो उसमें, फिर इसे रख दीजिए आप। और 2 घंटे के बाद अच्छी तरीके से वाश करके फिर इसकी सब्ज़ी बनाइए, तो ये कड़वा नहीं लगेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है ये समोसा मंगा लिया है और अभी चाय बना दूंगी, बच्चे इसी का नाश्ता आज कर लेंगे। मैं कुछ बना ही नहीं हूँ क्योंकि बहुत अजीब लग रहा है, सो के उठी हूँ ना इसलिए। और अभी मैंने करेला भी काट लिया है, उसे भिगो के रख दी। और ये देखिए दूध का पैकेट है अमूल का, इसे मैं एक बार धोकर ना इसे धोकर एक बार फ्रिज में लगा देती हूँ। ये एक हाथ से पकड़ लीजिए तो ये एक दूसरे हाथ से काम नहीं उतना होता है। मैं धो लेती हूँ। मैंने बच्चों को नाश्ता करा दिया है चाय और टोस्ट का, और वो अभी खेल रहे हैं, रुपेश और छवि साथ में ही खेल रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, चने की दाल जो है ये मैंने उबाल लिया है, 2-3 सीटी लगा दी थी और थोड़ा सा मैंने इसमें मीठा सोडा जो होता है वो डाल दी थी, क्योंकि फुला हुआ दाल नहीं था तो ये गलने में टाइम लगा था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा बस 1 चुटकी मीठा सोडा मैंने डाल दिया है। और हल्दी नमक मैं डाल के ही पकाती हूँ दाल को। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है और इसमें मैं करेला डाल दूँगी, और करेले को मैं चला चला कर तब तक भूनूंगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और दूसरी तरफ मैंने आटा भी लगा लिया है। मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी आज डिनर बना लूँ, क्योंकि आज नाश्ते में बच्चों को मैंने कुछ हैवी नहीं दिया था, लाइट ही दिया था, चाय और टोस्ट बस खाए हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि जल्दी से डिनर कम्प्लीट हो जाए तो मैं बच्चों को डिनर करा दूँ। और इधर मैं करेला भी चला रही हूँ, दूसरी तरफ मैंने रोटी सेकना शुरू कर दिया है। और फ्रेंड्स जब रोटियाँ फूलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और फूली हुई रोटियाँ हों उस पर घी लगी हो तो बहुत ही अच्छा लगता है।
छवि बहुत अच्छे से खा लेती है। इस तरह की रोटी फूली हो और घी लगी हो तो रुपेश घी लगी रोटी नहीं खाता, बहुत नाटक करता है, तो इसलिए मैं उसको चोरी से दाल या सब्जी में थोड़ा सा डाल के देती हूँ। और ऐसे अगर आप रोटी में लगा देंगे तो वो पसंद नहीं करता है, उसे घी ज़्यादा नहीं पसंद है, पर छवि अच्छी से खा लेती है। और सारी रोटियाँ कितनी अच्छी तरीके से फूल रही हैं। करेला जो है वो थोड़ा सा लाल हो गया है, अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। अब प्याज का जो मीठापन होगा, यानी कि प्याज से जो पानी निकलेगा ना, उसकी मिठास में उसकी पानी से ये करेला पकेगा और बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से ये सब्ज़ी। ज़्यादा कुछ नहीं, मैं इसमें कोई मसाले नहीं डालूंगी, सिर्फ नमक और हल्दी, और मैं कुछ भी इसमें नहीं डालूंगी। अब बस इसे चला चला के ढक कर चला चला के इसे लाल होने तक इसे मैं भून लूँगी। और ये भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। आप किस तरीके से करेले की सब्ज़ी बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से करेले की सब्ज़ी जो होती है बिल्कुल कड़वी नहीं लगती है, बच्चे भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं, कोई नाटक नहीं करते हैं। इस तरह की सब्ज़ी जब मैं बनाती हूँ तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं। और अभी मैं चने की दाल को फ्राई कर लूँगी, मैंने जैसे सुबह फ्राई किया था उसी तरह से मैं करूँगी। बस इसमें मैंने कड़ी पत्ते का मतलब तड़का डाला था और सुबह जैसे किया था वैसे ही इसे भी कर लूँगी। और चने की दाल, करेले की सब्ज़ी, रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड, मेरा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड मुझे सपोर्ट करिए, प्लीज़ फ्रेंड आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और अगर मैं इस ब्लॉग में कुछ कम या ज़्यादा बोल गई होंगी तो उसे माइंड मत करिएगा प्लीज़ फ्रेंड। और चने की दाल जो है वो फ्राई हो गई है और आज का डिनर जो है वो मेरा बन गया है। डिनर में आज चने की दाल, रोटी, करेले की सब्ज़ी है। तो आप सब भी आ जाइए, एक साथ मिलके डिनर कर लेते हैं। और अभी मैं बर्तन को क्लीन कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग जो है यहीं तक था, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट फ्रेंड्स।